नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब, और कैसा रहा आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम? आई होप काफी अच्छा रहा होगा। आरआरबी पीओ का एग्जाम 2 दिन था, 20 अगस्त और आज 21 अगस्त को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एग्जाम खत्म हो गया है। अब लोगों के मन में बस एक ही सवाल है, नेचुरल सा सवाल, कट ऑफ, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने सोचा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे, सब्सक्राइबर लोग, कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए, आपको क्या लगता है? तो मैंने सोचा ठीक है, एक वीडियो बना देते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ इससे कुछ मार्क्स ऊपर या नीचे भी रह सकता है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ये मैं अपने अनुमान से, अपने एक्सपीरियंस से ये कट ऑफ बता रहा हूँ। पिछले साल मैंने एग्जाम दिया। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे जो जिन्होंने 60-65 अटेम्प्ट किए होंगे, और कितने सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 50-55, 48-56 इस तरह से अटेम्प्ट किए होंगे। तो जिसने 60-65 अटेम्प्ट किए होंगे उनका तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन अगर किसी ने 52-55 अटेम्प्ट भी किए हैं और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो वो निराश नहीं हुए। ठीक है, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। पिछले बार मैंने आरआरबी पीओ में, प्रीलिम्स में मात्र 51 अटेम्प्ट किया था। बहुत सारे मेरे जान पहचान के फ्रेंड्स लोगों ने 65-70 तक अटेम्प्ट किया था, 55-58, लेकिन मैं 51 अटेम्प्ट किया था और मुझे लगा था शायद नहीं होगा, लेकिन 55.75 स्कोर मिला मुझे, 4.75 ज़्यादा मिला मुझे, और मैंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया। उसके बाद मेंस दिया, लेकिन मेंस मेरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ आरआरबी क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, और मतलब इसी साल, और आईबीपीएस क्लर्क में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, और मैं अभी इंडियन बैंक में हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ, अगर उससे अटेम्प्ट आपके कम भी हैं, जैसे सपोज करिए किसी कट ऑफ मैंने, स्टेट का कट ऑफ मैंने 55 बताया और आपके 51 अटेम्प्ट है, तो आप ये मत सोचना कि अरे 51 अटेम्प्ट है तो 55 कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। आरआरबी पीओ में 5-5, 6-6 मार्क्स भी बढ़ते हैं, ठीक है, पिछले साल आप चेक करना। और मेरे मार्क्स जो है मैंने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आरआरबी क्लर्क का भी कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आरआरबी क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड करता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ, क्वेरी सॉल्व करता हूँ बैंकिंग से रिलेटेड। आज मैंने अपने एग्जाम का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड किया था। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, मैंने 55 अटेम्प्ट किए हैं, 30 रीजनिंग में और 25 क्वांट में। बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं है एक्चुअली, मैं जॉब पे हूँ और एक जॉब छोड़ के, आरआरबी क्लर्क का जॉब छोड़ के मैंने आईपीएस क्लर्क ज्वाइन किया है, तो ये सब चीज़ों में टाइम नहीं मिला पढ़ने का कभी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक पेन भी नहीं उठाया जरा सा भी, ठीक है, और एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन हाँ, इतना था कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। मेरा एग्ज़ाम जो था वो, जहाँ पे मैं अभी नवादा में पोस्टेड हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, तो यहाँ से पटना यानी कि लगभग 170-180 किलोमीटर दूर गया था एग्जाम देने के लिए, बस इसीलिए कि आपको रिव्यू दे सकूं और आपको बता सकूं कि डरने का बात नहीं है, कम अटेम्प्ट वाले का भी होता है। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ की तरफ। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले साल 180 वैकेंसी थी, इस बार 96 है, वैकेंसी घटी है काफ़ी, तो कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 53-55 तक मेरा अनुमान है। मैंने कट ऑफ का जो रेंज है वो 2 लिया है, ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओरिजिनल कट ऑफ इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसीलिए आप इसको एक अनुमानित कट ऑफ मान के चलें। इसके बाद असम, असम में पिछले साल 148 वैकेंसीज थी, इस बार 101 है, वैकेंसी घटी है। पिछले साल कट ऑफ 45.75 थी, इस बार 46-48 के बीच जाने के चांसेस हैं। फिर आते हैं हमारा फेवरेट स्टेट, मेरा फेवरेट स्टेट बिहार, क्योंकि बिहार से मैंने पिछले बार आरआरबी क्लर्क फाइनल सिलेक्शन लिया था, अभी भी मैं बिहार में ही पोस्टिंग हूँ आईबीपीएस क्लर्क में इंडियन बैंक में, तो बिहार से काफ़ी लगाव है मुझे। पिछले साल बिहार में 130 वैकेंसीज थी, इस बार 145 है, पिछले बार कट ऑफ काफ़ी हाई था बिहार का, 56.25 थी, और इस बार भी लगभग उसी रेंज में जाने के अनुमान है, 55-57 मेरे हिसाब से बिहार का कट ऑफ होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही कम कट ऑफ वाला स्टेट माना गया है, अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो,
63 वैकेंसी थी पिछले बार, इस बार 79 है। पिछले बार 48.5 कट ऑफ गई थी, इस बार भी 48 से 50 के रेंज में कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। फिर गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में काफ़ी कम वैकेंसीज थी पिछले साल, 30 ओनली, इस बार डबल से भी ज़्यादा है, यानी कि 100 वैकेंसी है। तो हो सकता है कट ऑफ स्लाइटली कम हो, पिछले बार 57.25 थी, इस बार 55 से 57 रहने के चांसेस हैं। उसके बाद आप हरियाणा का देख सकते हैं 59 से 61, हिमाचल प्रदेश का 58 से 60, जम्मू एंड कश्मीर में भी देख सकते हैं 48 से 50, झारखंड में इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा घटी है, पिछले बार 72 थी, इस बार ओनली 30 है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। पिछले बार 55 थी, इस बार 56 से 58 हो सकते हैं, हो सकता है 58 से ज़्यादा भी चला जाए, क्योंकि झारखंड में कंपटीशन काफ़ी टाइट होता है। कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो डबल से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट ऑफ कम हो सकती है, जितना मैं बता रहा हूँ शायद उससे भी कम। पिछले बार 44.75 थी, इस बार 43 से 45 के रेंज में हो सकती है, या इससे कम भी हो सकती है। केरल में पिछले बार 72 वैकेंसीज थी, इस बार 84 है। पिछले बार 57.75 कट ऑफ था, इस बार भी लगभग उतना ही हो सकता है, 57 से 59 का रेंज मैंने लिया है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, पिछले बार 185 वैकेंसीज थी, इस बार 319 है, तो कट ऑफ घटना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीट कम होने के कारण ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, लोग MP जा सकते हैं और जाते भी हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो 53 से 55 जा सकती है, एक आध नंबर बढ़ भी सकता है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में वैकेंसी लगभग 100 बढ़ी है, तो कट ऑफ महाराष्ट्र की कम हो सकती है, 53.75 पिछले बार थी, इस बार 51 से 52 के बीच में रह सकती है। उड़ीसा में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा घट गई है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस है उड़ीसा में, अकॉर्डिंग टू मी 60 से 62 रहने के चांसेस है। पंजाब हमेशा से ही हाई कट ऑफ वाला स्टेट रहा है, हालांकि वैकेंसीज बढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। राजस्थान में भी वैकेंसी बढ़ी नहीं है, लगभग है, 4 वैकेंसी बढ़ी है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 59 से 61 कर्नाटक राजस्थान का भी कट ऑफ हो सकता है। तमिलनाडु में तो वैकेंसी जीरो है, तो उसके बारे में कुछ बात करके फ़ायदा नहीं है। तेलंगाना में कट ऑफ पिछले बार 51 था, तो इस बार भी 50 से 52 के रेंज में हो सकता है। यूपी काफ़ी शॉकिंग स्टेट रहा है हम सभी के लिए इस बार, तो इस बार यूपी का कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। मैंने 60 से 62 लिया है, लेकिन हो सकता है 62 से ऊपर भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, जो रेंज मैंने लिया आई थिंक दैट इज़ इनफ। UK यानी कि उत्तराखंड में 59 से 61 कट ऑफ रह सकती है, और वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी थोड़ा सा घटा है, तो 56 से 58 के बीच कट ऑफ रह सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसलिए आप ये मत समझना कि मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कुछ मिस हो गया है मेरे से तो कमेंट में ज़रूर बताना, कितना अटेम्प्ट आपने किया है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।